और इसी खबर पर दो हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। दिल्ली से अविनाश तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इसके साथ ही साथ देहरादून से विनोद कुमार मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले दिल्ली का रुख करेंगे क्योंकि अब से थोड़ी देर बाद जानकारी है अविनाश की पुष्कर सिंह धामी और मदन कौशिक पहुंच जाएंगे। क्या वहां पर उनका कार्यक्रम रहने वाला है, विस्तार से बताइएगा। देखिए जय, अगर बात करें तो मुख्यमंत्री जो अभी कार्यवाहक है पुष्कर सिंह धामी वो और उसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक वो फिलहाल दिल्ली पहुंच रहे हैं और दिल्ली पहुंचने के बाद उनको कुछ देर के लिए इंतजार के लिए कहा गया है। इसके बाद फिर उनको बताया जाएगा कि बैठक कहां पर होगी और किसके साथ होगी, लेकिन फिलहाल उनको दिल्ली बुला लिया गया और दिल्ली में आज ये बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल 4 घंटे बैठक की है पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं से और उत्तराखंड के जो तमाम सारे सीनियर नेता जिन्होंने अपने विचार पार्टी के संगठन महामंत्री वीएल संतोष के सामने रखे थे तो उन विचारों को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाना है। इसके अलावा उत्तराखंड में जो जीत मिली है उसको एनालिसिस किया गया है कि कितने प्रतिशत महिला वोटरों ने वोट दिया है और इसके साथ साथ किस तरीके से महिलाओं की भी भूमिका रही है, किस तरीके से तमाम सारे अन्य कार्यकर्ताओं की भूमिका रही है और पुष्कर सिंह धामी के चुनाव हारने की वजह क्या रही है और पुष्कर सिंह धामी को दोबारा अगर कंटिन्यू किया जाए तो क्यों किया जाए और ना किया जाए तो क्यों किया जाए, इन तमाम सारी चीज़ों का विश्लेषण किया गया है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री ने इन बातों का भी विश्लेषण किया है कि अगर पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री नहीं होते तो कौन मुख्यमंत्री हो सकता है, तमाम तरीके से मंथन किया गया है। लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वो ये है कि प्रधानमंत्री ने महिलाओं के नाम को लेकर भी खास तौर से जिक्र किया है जो कि उत्तराखंड में कौन कौन सी ऐसी महिला हैं जिन्होंने चुनाव जीता है और कौन कौन सी ऐसी महिला हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, तो ऐसा एक संदेश मिल रहा है कि अगर पुष्कर सिंह धामी के नाम पर सहमति नहीं बनती है तो हो सकता है कि कोई महिला मुख्यमंत्री मिल जाए क्योंकि जिस तरीके से इन 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड विजय हासिल की है उसके बाद अगर बात करें तो महिलाओं में उनका वोट जो प्रतिशत रहा है वो काफ़ी ज़्यादा रहा, महिलाओं का योगदान बीजेपी को जिताने में काफ़ी ज़्यादा रहा है, पुरुषों की तुलना में अगर देखें तो महिलाओं ने ज़्यादा वोट दिया है भारतीय जनता पार्टी को, तो लिहाजा अब देखना ही होगा कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब दिल्ली पहुंचते हैं तो जब बैठक होती है तो बैठक में क्या कुछ तय किया जाता है, क्या कुछ कहा जाता है, क्योंकि पहले भी जब केंद्रीय रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने बीएल संतोष से मुलाकात की थी तो उन्होंने भी ये कहा था कि पुष्कर सिंह धामी को मौका तो दिया जाना चाहिए लेकिन साथ ही विधायकों के रायशुमारी भी करनी चाहिए कि विधायक क्या चाहते हैं, विधायकों के मन में क्या है, और इसके बाद उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि अगर पुष्कर सिंह धामी के साथ ज़्यादा विधायक है, ज्यादा समर्थन है तब तो मौका मिलना चाहिए या तो फिर पार्टी आला कमान को तय करना चाहिए। तो तमाम सारी चीजों को लेकर के जो सियासत अभी उभरी है उत्तराखंड के अंदर उसका आज पटाक्षेप दिल्ली के अंदर हो जाएगा। आज लगभग ये तय कर लिया जाएगा कि कौन अगला मुख्यमंत्री होगा, लेकिन हालांकि कौन अगला मुख्यमंत्री होगा इसकी घोषणा तो 19 मार्च को ही होगा जब पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी देहरादून पहुंचेंगे और वहां पर विधायकों की बैठक करेंगे, उसके बाद ही नाम का खुलासा होगा, लेकिन मोटा मोटा एक सहमति आज तय कर ली जाएगी और जो बैठक आज होगी इसके बाद अगर बात करें तो बने रहिए हमारे साथ।